दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्किन और हेलो एरिन से। यह हमारे दोस्त एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रिक एसिड देन क्लोरो पिक्रीन इज फॉर्म। तो क्लोरोपिक्रीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दो CCl3NO2। तो जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोपिक्रीन बनता है। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो ये हाथ हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जा रहा है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाएगा। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्लोरोफॉर्म लिए तो ये हमारा दोस्त एक फॉर्म का मतलब एक कार्बन हो गया और कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है। तो कार्बन के तीन बॉन्ड में जब क्लोरीन लगाओ और चौथा बॉन्ड में हाइड्रोजन लगाओ तो इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरो फॉर्म और रिएजेंट के रूप में नाइट्रिक एसिड लेना है। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया HNO3 और ये हो गया हमारे दोस्त कंप्लीट है डेरो। तो नाइट्रिक एसिड को हम लोग लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड NO2। अब जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो अब हम लोग दोस्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। उसी तरह दोस्त कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया तो यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिए। अब देखिए दोस्त कार्बन था तो यहां पर कार्बन लिख दिए। इस कार्बन के पास तीन क्लोरीन है तो यहां पर तीन क्लोरीन लिख दिए। दो क्लोरीन और ये हो गया हमारा तीसरा क्लोरीन। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो ग्रुप लिख दिए और इस रिएजेंट का नाम नाइट्रिक एसिड है तो यहां पर नाइट्रिक एसिड लिख दिए।
अब देखिए दोस्त, कार्बन के पास तीन क्लोरीन और एक एनओ टू ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम क्लोरो पिक्रीन है और क्लोरो पिक्रीन का यूज हम लोग टीयर गैस के रूप में करते हैं। टीयर गैस, देखिए दोस्त, टीयर गैस को ही हम लोग वार गैस भी बोलते हैं। जब दोस्त कहीं पर दंगा हो जाता तो उस दंगा को रोकने के लिए प्रशासन हमेशा टीयर गैस का यूज करती है। टीयर गैस की वजह से हम लोग के आंखों में जलन महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से भीड़ तितर बितर हो जाता है, तो वह हमारा दोस्त टीयर गैस कहलाता है। तो जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तब क्लोरोपिक्रीन बनता है जो हमारा टीयर गैस है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। अब हम दोस्त क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन के साथ कराएंगे और क्लोरीटोन बनाएंगे। तो रिएक्शन नंबर टू, रिएक्शन विथ एसीटोन। देखिए दोस्त, एसीटोन क्या है? तो एसीटोन का मतलब हो गया, सबसे पहले कीटोन फंक्शनल ग्रुप लिए और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के पास दो बॉन्ड खाली है तो दोनों खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप को लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसीटोन बोला जाता है। अब जानेंगे हम लोग दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब हम दोस्त क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एसीटोन के साथ हो रहा है तो उसका लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त, वेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टेड विथ एसीटोन। देन क्लोरीटोन इज formed which is used as hypnotics हिप्नोटिक्स को हम लोग दोस्त स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, जब क्लोरोफॉर्म प्रतिक्रिया करता है एसीटोन के साथ
तब क्लोरोटीन बनता है जिसका उपयोग हम लोग हिप्नोटिक्स के रूप में करते हैं। हिप्नोटिक्स का मतलब हो गया दोस्त नींद उत्पन्न करने वाला ड्रग। अब देखिए दोस्त हिप्नोटिक्स, तो हिप्नोटिक्स का मतलब हो गया, हिप्नोटिक्स का मतलब कि दोस्त वो खासम खास ड्रग, जब उस ड्रग को लेने पर हम लोग को जो भी कहा जाए तो वो हम लोग कर सकते हैं, वही हमारा दोस्त हिप्नोटिक्स ड्रग है। बेचैनी को कम करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसी को भी हिप्नोटिक्स बोला जाता है। अब हम दोस्त रिएक्शन पढ़ेंगे, तो रिएक्शन हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में एसीटोन को लिया गया है, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं और रिएजेंट के रूप में क्लोरोफॉर्म लिया गया है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया दोस्त CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन को फैला दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा Cl3। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, तो ऑक्सीजन के साथ दोस्त हमारा हाइड्रोजन है। अब कार्बन के आगे सिंगल बॉन्ड और CH3 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया, कार्बन था और Cl3 था तो यहाँ पर CCl3 था। तो देखिए दोस्त कार्बन के पास चार बॉन्ड है जिसमें से दो बॉन्ड के पास मिथाइल ग्रुप है और तीसरा बॉन्ड के पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और चौथा बॉन्ड में CCl3 है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, और इस रिएजेंट का नाम हो गया क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म। तो जब एसीटोन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तब हम लोग को क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इस तरह दोस्त हमारा एसीटोन का क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त काश दो दिल होते, सीने में एक दिल टूट भी जाता, इश्क में तो तकलीफ ना होती मांसू कुमार को जीने में।